प्रश्न को देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। पर्सन थ्रोज बॉल्स वर्टिकली अपवर्ड्स वन आफ्टर द अदर आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। द नेक्स्ट बॉल इज थ्रोन व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द अर्लियर बॉल बिकम्स 0। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ईच बॉल इज ए पार्ट 5 मीटर पर सेकेंड, बी पार्ट 10 मीटर पर सेकेंड, सी पार्ट 15 मीटर पर सेकेंड एंड डी पार्ट 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें कहा क्या जा रहा है कि कोई व्यक्ति है, वो बॉल को थ्रो कर रहा है ऊपर की तरफ। अब थ्रो करने की कंडीशन है, पहली कंडीशन ये है कि 1 सेकेंड के अंतराल पर फेंका जा रहा है, और दूसरी कंडीशन ये दी गई है कि जब पहली वाली बॉल जो है की वेलोसिटी 0 हो जा रही है, तभी दूसरी वाली बॉल फेंकी जा रही है। तो इसी में रहस्य है ना। वेलोसिटी कब 0 होगी? जब वो टॉप पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी फेंके जाने वाली बॉल की। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ से बॉल को थ्रोअर थ्रो कर रहा है विथ वेलोसिटी यू, हमने मान लिया कि यू वेलोसिटी से थ्रो किया जा रहा है, और यहाँ से यहाँ बी पॉइंट पर जब पहुंच रहा है तो बी पॉइंट पर टॉप पॉइंट पर पहुंच जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जा रही है? 0। और कितना समय लग रहा है? t = 1 सेकेंड। यानी दोनों इन्फॉर्मेशन को मिलाया जाए तो एक्चुअली वो ये कहना चाहता है कि जब थ्रो किया गया और टॉप पर पहुंचने का जो समय है वो 1 सेकेंड है, लेकिन उसी को टेढ़ा घुमा करके बोल दे रहा कि यहां से बॉल जो है हर 1 सेकेंड में फेंकी जा रही है। और दूसरा कंडीशन ये कि तभी फेंकी जा रही है जब ये फेंकी गई कि वेलोसिटी क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है। तो 0 तो तभी होगी जब ये टॉप पर पहुंचेगा। तो सीधे ना करके उसने क्या कर दिया, दो दो पार्ट्स में जो है उसको तोड़ दिया, ठीक है। तो आप जानते हैं कि कोई चीज कठिन जटिल बनाना हो तो क्या होगा, सिंपल सिंपल चीजों को, अब जैसे ये 4 स्टिक है, इनको अगर ये इस तरीके से कर दीजिए तो ये थोड़ा सा जटिल हो गया है ना, ठीक है। तो जटिल क्या है, सिंपल के कॉम्बिनेशन से जो है जटिल बनाने की कोशिश की जाती है। तो इस क्वेश्चन में जो है जटिलता क्या है, जटिलता कुछ नहीं है, बस केवल ये जज करना चाहता है कि आप दो चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो आपने कनेक्ट कर लिया और हमने मान लिया कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी = -10 मीटर पर सेकेंड होगा पूरी यात्रा में। तो हम मान लेंगे लेट द इनिशियल वेलोसिटी, ये पूछा गया है इनिशियल वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ थ्रो बी यू, ठीक है, ओके। तो द टाइम टेकन इन रीचिंग टू द टॉप is equal to 1 second, where final velocity v क्या होगा, v is equal to 0 meter per second, ठीक है, ओके। तो अगर अप्लाई कर दें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस यात्रा के लिए, यहां से यहां तक के लिए, तो v is equal to u plus at होता है, तो रख दीजिए v टॉप पर वेलोसिटी 0 हो गया, u I don't know, ये माइनस जी 10 हो गया और t कितना है 1 सेकेंड है। तो अब इसको हल करेंगे तो u इज इक्वल कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यानी यहां से बॉल को जो थ्रो किया जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से फेंका जा रहा है। लेकिन अगर ये इसी क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि ये हाइट कितनी हाइट पर जाकर के वेलोसिटी 0 हो रही है, ठीक है। तो हाइट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² = u² + 2 h लगा सकते हैं। तो v टॉप पर 0 हो गया, u कितना है 10 है, 10² - 2 g = 10 और h आई डोंट नो, ठीक है। तो इसे 20 h = 100 हो गया, तो देयरफॉर h = कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो गया। यानी जो मैक्सिमम हाइट अटेंड है वो 5 मीटर होगा। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से घुमा करके भी पूछेगा तो हो सकता है कि हाइट के लिए ऑप्शन पूछे। तो भाई यहां पर u = 10 मीटर पर सेकेंड आया, तो ऑप्शन नंबर b करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है।
ओके, उसमें ये एडिशनल चीज मैंने आपको बता दिया ताकि आपके सामने कभी आए तो उसको आप कनेक्ट कर सकें। ठीक है।